नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नंगल नगर कौंसिल की एक अहम बैठक नंगल नगर कौंसिल के चेयरमैन संजय सानी के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें शहर में करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्य सर्वसम्मति से पारित किए गए। इस बैठक के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के पार्षद एवं नंगल नगर कौंसिल के पूर्व चेयरमैन राजेश चौधरी और रंजीत लक्की ने कहा कि हमने शहर के विकास को देखते हुए पेश किए गए सभी प्रस्तावों का समर्थन किया, लेकिन हमने सफाई सेवकों को रेगुलर करने की मांग उठाई थी, लेकिन बावजूद इसके मात्र 207 सफाई कर्मचारियों को ही कॉन्ट्रैक्ट वेज पर किया गया है। राजेश चौधरी ने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से उनके वार्ड नंबर 10 को अनदेखा किया जा रहा है। सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते पार्षद राजेश चौधरी ने। आज नंगल दी म्युनिसिपल कमेटी दी मीटिंग संजय सानी प्रधान ब्लॉक कांग्रेस प्रधान म्युनिसिपल कमेटी की हाजिरी च हुई। वार्ड नंबर 10 तो राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी तो म्युनिसिपल कौंसलर है, मेरे भाई रंजीत लक्की जी वार्ड नंबर 6 तो म्युनिसिपल कौंसलर है। असी सर्वसम्मति दे नाल नंगल शहर के विकास के सहयोग के वास्ते जिहड़ा करोड़ों रुपया का काम जिहड़ा वो ये लैके अज आए सी, असी सर्वसम्मति दे नाल पास किया। सर्वसम्मति नाल जिथे असी पास किया उत्थे असी अज प्रेस नूं यह भी दसना चाहते हैं कि इहदे अंदर वार्ड नंबर 6 दे दो काम जिहड़े है गुग्गा माड़ी दे, वार्ड नंबर 10 का कोई भी काम नहीं है। असी फिर भी सर्वसम्मति दे नाल इस मीटिंग नूं पास किया और पूरा सहयोग किया, क्योंकि असी विकास के अंदर पूरा सहयोग देने वास्ते भी तैयार हाँ और साड़ी आस्था भी हमेशा ही रहिंदी कि नंगल शहर का विकास होवे। पर एक करोड़ों रुपया की जिहड़ी मीटिंग है अज जिहनूं इलैक्शन चोण जापता लगन नूं लगभग 10 दिन बकाया है, 8 महीने तो म्युनिसिपल कमेटी बनी हुई है। साडा दोष है भारतीय जनता पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी और इस म्युनिसिपल कमेटी की करनी और कथनी च बहुत अंतर है। ये करोड़ों रुपया के काम नहीं होने, इस जापदा कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी को एहसास हो गया इस चीज़ का कि आने वाले समय साड़ी कांग्रेस की सरकार बनेगी नहीं, असी हुणी अपने जिहड़े काम है वह पास करवा लईए। असी भारतीय जनता पार्टी ने जिथे इन्हों का समर्थन किया कामों का उत्थे असी अज प्रेस राही यह भी संदेश देना चाहते हैं कि सनातन धर्म च कहा जाता कि जिस वक्त व्यक्ति ने जाना हुंदा वो चाहे गऊदान करे जिदा के मर्जी खरे कर्म कर लवे वो उदे बेड़ा पार नहीं कर सकते। असी प्रेसा राही कहिंदे कि यह जिहड़े करोड़ों रुपयां दे काम नंगल शहर दे नाल इहनां बेईमानी कीती, 8 महीने तो कौंसल बनी उस वक्त इन्हां ने काम शुरू करवाए नहीं किते नहीं, ये 10 दिनों च कुछ नहीं कर सकते, ये नंगल शहर दे नाल धोखा है। एक सफाई सेवकां दा मुद्दा कि 202 सफाई सेवक ते 5 सीवरमैन भर्ती किए, असी कॉन्टैक्ट इन्हां दे भर्ती किए दा धन्नवाद करते हैं, होने वो रेगूलर चाहिए थे, पर लेकिन उत्थे असी नाल मंग भी करती है भारतीय जनता पार्टी कि धरने दे विच जिहड़ा 300 मुलाजम बाकी रह गया चाहे वह माली है चाहे वह वाटर सप्लाई दी है उन्होंने भी कॉन्टैक्ट दे लैटर दे के एक तरीके दे नाल उन्हां दी मदद करनी चाहिए, ये जिहड़ा काम है असी दी मंग है। इस बैठक के बारे में और जानकारी देते नंगल नगर कौंसिल के चेयरमैन संजय सानी ने कहा कि पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह के दिशा निर्देशों के तहत आज बैठक में कुल 20 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों को सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जिसमें वार्ड नंबर 1 के निवासियों की सीवरेज व्यवस्था से जोड़ने की मांग पूरी होने जा रही है और इसके लिए तलवाड़ा की पंचायत ने 4 कनाल भूमि नंगल नगर कौंसिल के नाम की है और उसी स्थान पर हम 5 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से STB प्लांट लगाकर सीवरेज व्यवस्था से जोड़ेंगे। इसके अलावा वार्ड नंबर 16 में कम्युनिटी हॉल के अलावा शहर में स्ट्रीट लाइट्स आदि का भी विकास कार्य शामिल है। उन्होंने कहा कि नंगल नगर कौंसिल द्वारा ठेकेदारी प्रथा के तहत काम करने वाले 200 सफाई सेवकों और 5 सीवरमैनों को मंगलवार को कॉन्ट्रैक्ट वेज पर करने के प्रमाण पत्र पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा KP सिंह द्वारा जारी किए जाएंगे। भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर नंगल नगर कौंसिल के चेयरमैन संजय सानी ने कहा कि अभी 2 दिन पहले ही भाजपा पार्षद राजेश चौधरी के वार्ड में इंडोर जिम का शिलान्यास किया गया है, अगर कोई और काम उनके ध्यान में लाते तो उसे भी आज के एजेंडे में डालकर पारित करवा देते। सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते नंगल नगर कौंसिल के चेयरमैन संजय सानी ने। सब तो बड़ा काम बड़ी देर दी जड़ी
तलवाड़े की मंग सी जिहड़ा कुछ एरिए दे विच सीवरेज जिहड़ा हैगा नहीं पिया सीगा वार्ड नंबर एक दे विच साढ़े मानयोग स्पीकर साहब को उस एरिए दे एक नंबर वार्ड दे बहुत बंदे मिल के गए है उसका असी तलवाड़े पिंड दे सरपंच साहब का पंचायत का शुक्रिया अदा भी करांगे उन्होंने सानू चार कनाल जिहड़ी है जमीन दिती है उत्ते असी एस टी पी प्लान लगा के जिहड़ा हैगा 5,30,00,000 रुपए की लागत नाल असी उन्होंने सीवरेज का जिहड़ा हैगा लाइना पावांगे 20 करोड़ रुपए के काम है विशेष दसता जी भी 5.5 करोड़ रुपए जिहड़ा हैगा असी सीवरेज का प्लान लगाउण लगे एस टी पी ते 16 नंबर वार्ड के कम्यूनिटी सेंटर भी है होर भी जिहड़े हैगे लाइटां का भी काम है तुहानू सारे नू एक एक कापी असी इहदी दे भी दिंदे 10 नंबर वार्ड की जिहड़ा हैगा तुसीं 2 दिन पहले ही तुसीं भी चोपड़े जी खबर लगाई है असी जिम का उत्थे नेह पत्थर रखाया है अगर साडे कोल कोई वार्ड नंबर 10-2 विचों ये सानू कोई काम दसण असी उन्हां दे काम पा लैणे सानू कोई मतलब नहीं भी नहीं पाने अभी तो काम करने लिए बैठे हाँ हाँ बिल्कुल सानू नहीं कोई दस्या सानू दस दिन भी है काम है असी उन्हां दे काम पहल के आधार पर पावांगे सफाई सेवकों का मैं कह लगा कि 207 सफाई सेवकों कल असी कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ा है नियुक्ति पत्र देने हैं सवेरे 10:30 जोड़े है असी कमेटी सेंटर के प्रोग्राम रखिया असी 207 ज आए थे सफाई सेवक उन्होंने असी कॉन्ट्रैक्ट के कल लैटर दे देने पुल का काम जोड़ा है साड़ी नगर कौंसल नहीं कर रही थी ये प्रशासक जोड़ा है कर रहा पर मेरे जोड़ा है ध्यान चाह पूरा है असी उत्ते मशीन वगैरह प्रशासक ने लगाती है कुछ NFL की वजह नाल काम रुक गया सीगा पर अज 4 बजे साढ़े मानयोग SDM साहब उत्ते मौके पर जा रहे हैं वह हल करनगे असी हर हालत दे विच साढ़े मानयोग स्पीकर साहब का हुक्म है असी हर हालत दे विच लोगों नूं जिहड़ा हैगा वह रस्ता बना के देना है धन्यवाद सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट।